एक बार फिर से मैं वॉइस आपकी आवाज चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं दिनेश यादव आज फिर से आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं। और आज के मेरे जुड़ने के पीछे मूल कारण, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि पश्चिम बंगाल में 11वीं और 12वीं से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं हिंदी विषय को लेके, हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे उसका समाधान आपको दे पाए। इसी संदर्भ में सबसे पहला वीडियो मैं 12वीं क्लास का प्रथम जो अध्याय है कुटज, उस पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे और कोशिश करेंगे कि इस विषय को हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। हालांकि आप अपने स्कूल में, आप अपने शिक्षकों के द्वारा इस विषय पे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे, फिर भी मैं एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे स्कूल के अलावा एक डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, हमारे चैनल से जुड़ पाए और हमारे क्लासेस का लाभ उठा पाए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित कर पाए। और शिक्षित करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि हिंदी से जुड़े जो भी समस्याएं हैं, जैसे हम एक शिक्षक होने के नाते मैं खुद इस बात को अनुभव करता हूं कि एक क्लास में संभव नहीं हो पाता कि बच्चे पूरी तरीके से सारी चीजों को समझ पाए, इसलिए वो ट्यूशन की तरफ भागते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं फिर भी उनका बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर अधूरा रह जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से, वॉइस आपकी आवाज चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ूं और आपकी समस्याओं का समाधान करूं। तो दोस्तों आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। मेरा नाम दिनेश यादव, एक हिंदी शिक्षक के रूप में मैं पहले से ही कार्यरत हूं। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं क्यों ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा लोगों से जुड़ूं। और यही अनुभव, यही एहसास मुझे आप लोगों के सामने खींच लाया। आज मैं, मेरे क्लास है क्लास 12, उसका सब्जेक्ट है कुटज, जो पहला चैप्टर है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस अध्याय को मैं आप लोग के समक्ष पूरी तरह से सरल तरीके से इसको क्लियरिफिकेशन इसका दे पाऊं, इसको समझा पाऊं और आप लोग को लाभ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तो आते हैं सब्जेक्ट पे, कुटज पे। कुटज एक ललित निबंध है। बच्चों आप पढ़ते समय या आप टेक्स्ट बुक जब भी पढ़ते हो तो आपको पता चला होगा कि हम पढ़ाते समय भी बहुत बार एहसास करते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीजें सर निबंध है कि कहानी है उनको ठीक से पता नहीं होता। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कुटज एक ललित निबंध है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। बात यह आती है कि कुटज का मतलब है क्या, कुटज नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि कुटज एक वृक्ष का नाम है, एक पौधे का नाम है। तो कुटज एक पौधे का नाम है, तो फिर से आप लोग के दिमाग में बात आती होगी कि क्यों कुटज, क्यों बरगद क्यों नहीं, क्यों आम का पेड़ क्यों नहीं, क्यों इमली का पेड़ क्यों नहीं। बहुत सारे बच्चे क्लास में मुझसे पूछते हैं कि सर इस अध्याय का नाम कुटज ही क्यों पड़ा। तो मैं कहता हूं कि कुटज और दूसरे पेड़ पौधों में जो फर्क है वो यही है कि आम, बरगद, इमली का पेड़ आप हर जगह पाओगे, लेकिन कुटज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। यह हिमालय के शिलालेख की पहाड़ियों के नीचे पाया जाता है, जहां सबसे पहले आंधी और तूफानों का वार होता है। आंधी और तूफान जब आते हैं तो सारे पेड़ पौधे तहस और नहस हो जाते हैं, लेकिन आंधियों और तूफानों में भी अगर कोई अपनी रक्षा करते हुए खेलता है, आगे बढ़ता है, तो उसका नाम है कुटज। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं कि कुटज द्विवेदी जी ने क्यों लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस पेड़ में कितनी ये बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम जगहों पे पाया जाता है, इसलिए इसको
पुटज को उन्होंने अपने विषय बनाया इसलिए नहीं, बल्कि वे हमें कुछ समझाना चाहते हैं, हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, हमें कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। प्रेरणा किस बात का? कि पेड़ होके आंधी तूफानों से लड़ते हुए ये टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, खिलता है, आगे बढ़ता है। तो क्यों ना हम इंसान, हमारे में और कुटज में कोई खास फर्क नहीं है। जिस तरह कुटज के जीवन में हर बार, हर तिमाही, हर छिमाही आंधी और तूफानों का दौर आते रहता है और ये सबको झेलते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, सुख और दुख आते रहता है। हमारे जीवन में भी दुखों का पहाड़ आएगा, हम जीवन में भी कभी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। और आज हमारे सोसाइटी में, आज हमारे समाज में आप लोग सुनते हो गई कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, किसी के पास बहुत प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में जाके आत्मदाह कर लिया। तो ये कुटज ऐसे लोगों के लिए एक सीख है जो समस्या आने के बाद अपने आप को छोड़ देते हैं, जो समस्याओं के बाद अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए। ये कुटज उन लोग के लिए सीख है, ये सीख देता है थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा सकारात्मक सोचिए और आशावादी बने रहिए। क्योंकि कुटज की भांति हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी। कुटज की भांति जैसे कुटज में आंधी तूफान का दौर रहता है, उस तरह हमारे जीवन में भी आंधी तूफान का दौर आता रहेगा, लेकिन जरूरत क्या है कि हम कुटज की भांति टिके रहें, समस्याओं से लड़ें, समस्याओं से जूझें, और एक दिन आप आएगा कि हम भी कुटज की भांति मुस्कुराएंगे। तो बच्चों, मूल रूप से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुटज अध्याय जो है हमें तीन संदेश देता है। एक, कीप फाइटिंग। अगर आपको उद्देश्य में लिखना है कुटज निबंध में, निबंध का उद्देश्य क्या है, तो पहला, कुटज हमें यह संदेश देता है क्या कि हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए, कीप फाइटिंग। दूसरा, नेवर गिव अप, मतलब कभी भी हार ना मानने की प्रवृत्ति अगर हमें कहीं से मिल सकती है तो कुटज से हम लोग सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, समस्या आएगी हमारे जीवन में जैसे कुटज पे आती है, लेकिन हमें संघर्ष करना होगा। जब तक संघर्ष करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, जो मैंने पहले बताया कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक और आशावादी रहना होगा। जब तक हम सकारात्मक और आशावादी नहीं रहेंगे हम अपने जीवन को एक नए मुकाम पे नहीं पहुंचा पाएंगे। आप किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए आपके अंदर, हमारे अंदर। जब तक एक पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, एक सकारात्मक पहलू नहीं आएगा हमारे अंदर, सकारात्मक जब तक विचार हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम तब तक उस चीजों को सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, हमें आशावादी रहना होगा, हमें अपने मन में हमेशा एक विश्वास रखना होगा कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं अपनी समस्याओं से लड़ सकता हूं और मैं जीत सकता हूं। जब तक हम आशावादी नहीं होंगे, जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर संघर्ष करने की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर लड़ने की भावना नहीं आएगी कि समस्याओं से जूझना सबसे बड़ी बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चाहते तो बरगद भी नाम दे सकते थे, आम का पेड़ का भी नाम दे सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने कुटज दिया तो कहीं ना कहीं वे हमें एक संदेश देना चाहते हैं। कैसा संदेश? कि हमें अपने जीवन में इस कुटज से सीख लेना चाहिए, लड़ने का, संघर्ष करने का, आशावादी बने रहने का और सकारात्मक बने रहने का। तो बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुटज क्या है इसको समझ पाए होंगे। और इसके अलावा अगर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी बात का जो भी अध्याय है उसको मैं क्लियर करूं। इस अध्याय में अगर कोई भी आपको समस्या लग रही होगी, नहीं इस वीडियो में ये बात पूरा नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ
ये चीज मेरा क्लियर नहीं हुआ, हम लोग जरूर उस चीज पे समाधान देने की कोशिश करेंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर पाना है तो वॉइस आपकी आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब पे इस चैनल को वॉइस आपकी आवाज, और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो 12वीं क्लास में जो भी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक होगा और वे इस वीडियो से कुछ जान पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि वे अपने भविष्य में अच्छा करें और हमारे इस वीडियो से लाभ उठा पाए। और भविष्य में इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कमेंट करते रहें, ताकि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। नमस्कार।